तो हेडिंग रखिए पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन में कुछ लोग एस यूज करते हैं, कुछ लोग जेड यूज करते हैं। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऐसे दिया, हाँ पोलराइजेशन, ठीक है, ओके। एक्चुअली जस्ट हियर, मैंने आपको जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाया था, आई टोल्ड यू कि जो लाइट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, और मैंने आपको उस वक्त उसका स्ट्रक्चर बताया था, याद है आपको? याद करने की कोशिश कीजिए कि मैंने स्ट्रक्चर बताया था कि सपोज ये एक्स है, ये वाई है और इधर जेड है। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, इट्स लाइक दिस वे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कीप ऑन इंक्रीजिंग, फिर वो जीरो पे आ जाता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अपना डायरेक्शन बदल लेता है लाइक दिस वे, दिस वन, फिर वो डायरेक्शन बदल लेता है लाइक दिस वे, और इस तरह से मैंने आपको बताया था। तो मैंने बताया था दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेटिंग अलोंग दैट इज वाई एक्सिस। फिर मैंने आपको बताया था कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, वो भी जो है वो इट्स लाइक दिस वे, तो मैंने आपको बताया था कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड हियर। जबकि वेव जाती किधर है, वो तो एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका मतलब उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW। तो देखो उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, मेरी आवाज सबको आ रही है? प्रॉपर, ओके, नाउ आ रही है ना आवाज? यस, ओके, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट दो होते हैं, तो जो इसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट इज लाइट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल फिनोमेना, दैट इज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो होता है ना, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर, that is responsible for optical phenomena, responsible for optical phenomena, तो जितने भी optical phenomena, ठीक है, तो जितने भी optical phenomena मतलब eyes से related हमारे जो भी phenomena होते हैं, उसमें मैग्नेटिक कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, उसमें जो मोस्ट जो पार्टिसिपेटिंग कंपोनेंट होता है वो जो होता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है। तो हम क्या करेंगे कुछ देर के लिए, वैसे मैग्नेटिक भी साथ में रहता है, बट क्योंकि मैग्नेटिक का ज्यादा रोल है नहीं, तो सिर्फ हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये बस समझ में आया? ओके, तो वील कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो सी, अगर मैं समझाता हूं, सपोज कर लो कि ये कोई टॉर्च है, लुक हियर, इट्स अ टॉर्च, ठीक है, सपोज कर लो टॉर्च है लाइक दिस वे, ये बहुत सारी लाइट्स को एमिट कर रहा है, आर यू गेटिंग? इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को आप छोटा करते जाइए तो अल्टीमेटली वो ऐसा हो जाएगा लाइक दिस वे, और छोटा करते जाइए तो अल्टीमेटली वो एक रे में कन्वर्ट हो जाएगा। एटलीस्ट जिसको हम लाइट रे बोलते हैं वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसा तो रे होता नहीं है, एक रे कैसे मिल जाएगी तुमको, ये तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो थ्योरी में ऐसा बोला गया है कि अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया कम करते जाइए, कम करते जाइए, कम करते जाइए, तो अल्टीमेटली आप लाइट रे पे, ये लाइट बीम है, तो अल्टीमेटली व्हेन यू कीप ऑन डिक्रीजिंग दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, अल्टीमेटली जो बहुत कम करते जाएंगे तो हमको लाइट रे मिल जाएगा, तो वो एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। हम बात करेंगे यहाँ पे लाइट बीम की, तो लाइट बीम में कोई एक रे नहीं होती है, ये जो मैंने ड्रॉ की एक रे नहीं होती, बहुत सारी रेज होती है, इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो देखो समझने की कोशिश करो कि सपोज कर लो कि देयर आर सो मेनी रेज हियर, सपोज कर लो ये बहुत सारी रेज हैं, लेट्स से
वैसे ये रे नाम का कुछ होता नहीं है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो सपोज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, लेट से एट 90 डिग्री, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, दैट इज एट 90 डिग्री, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है, दैट इज एट 90 डिग्री, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ है, दैट इज एट 90 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सब तो कंपोनेंट परपेंडिकुलर ही होते हैं। लाइक दिस वे इट इज ऑल्सो एट 90 डिग्री हियर। तो अगर इनको सुपर इम्पोज कर दो, मतलब इनको बीम फॉर्म में कर लो, तो अल्टीमेटली वो ऐसे हो जाएगा। जैसे तो किसी का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऊपर आएगा, सब ये बीम बन गया, इट्स अ बीम। दूसरे का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट नीचे आ रहा है, थर्ड का इधर राइट की तरफ जा रहा है, इसका लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इसका इधर आ रहा है, इसका इधर आ रहा है, जस्ट लाइक दिस वे, एंड द वेव इज गोइंग एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हियर, और लाइट रे इस तरह से जा रही है, आर गोइंग लाइक दिस वे। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, अगर आपका दूसरा व्यू देखेंगे तो यू कैन ऑल्सो से कि सर सपोज करो लाइट इज कमिंग लाइक दिस वे आउट ऑफ पेज आउट ऑफ पेपर, अगर लाइट सपोज कर लो वो इस तरह से आ रही आउट ऑफ पेज, तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कैसे होते हैं, इट्स लाइक दिस वे, कोई ऊपर है कोई, मतलब ऑल आर परपेंडिकुलर ना, बेसिकली ऑल आर परपेंडिकुलर, इट्स लाइक दिस वे एंड रे इज कमिंग आउट ऑफ पेज, दैट इज रे इज कमिंग आउट ऑफ पेज। आर गेटिंग दिस वन, ये बात समझ में आया आपको, लाइट इज ट्रेवलिंग आउट ऑफ पेज। आउट ऑफ पेज तो आर यू गेटिंग, ये एक्चुअली जितने भी कंपोनेंट होते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड के, दे आर, क्योंकि हम अपनी थ्योरी में पढ़ चुके हैं सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो परपेंडिकुलर होते हैं कि 90 डिग्री पर रहते हैं डायरेक्शन के, हमेशा हमेशा 90 डिग्री पर ही रहेंगे ना वो, आर यू गेटिंग, दे आर राइट एंगल। तो अल्टीमेटली जब बहुत सारी रेज मीट करेंगी तो क्या होगा, किसी का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऊपर होगा, किसी का डाउनवर्ड होगा, किसी का लेफ्ट होगा, राइट होगा, बट एक बात सब में कॉमन हो कि डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है, बट वन थिंग इज कॉमन, दे आर ऑल आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ऑल द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आर, ऑल द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, यू गॉट दिस पॉइंट। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिस्पॉन्स, वैसे मैग्नेटिक भी रहता है लेकिन इसको ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक को ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन फिर क्वेश्चन अराइजेस कि सर इसको ड्रॉ कैसे करें, मैं किसको कैसे ड्रॉ करूंगा, क्या एग्जाम में हमेशा इस तरह से ड्रॉ करूंगा तो पता नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। तो उसको ड्रॉ करने का तरीका देखो ऐसे होता है, देखो एक्चुअली वो है इस तरह से, मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ। लेट्स से सपोज कर लो ये लाइट रे है, इट इज कमिंग आउट ऑफ पेज, मतलब डॉट मतलब आउट ऑफ पेज ना, हाँ, तो आप इस तरह से ड्रॉ करते हैं हमेशा, ये इसकी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज दिस वन, क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, और वेव इज कमिंग आउट ऑफ पेज। आप सबको मत ड्रॉ करिए, सबको मत ड्रॉ करिए, आप क्या काम करिए, आप सिर्फ एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो, क्योंकि इतना ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होता है, फिर आपको उसको एनालाइज करने में भी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो लेट्स से इट इज हियर आउट ऑफ पेज, तो सबको ड्रॉ नहीं करेंगे आप लोग, आप लोग सिर्फ एक वर्ट हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर देंगे और एक वर्टिकल ड्रॉ, तो आप कहेंगे दिस इज कमिंग आउट ऑफ पेज, ठीक है आउट ऑफ पेज जरूर आ रहा है, दिस इज आउट ऑफ पेज, लेकिन हम ड्रॉ फिर भी कैसे करें, अगर मुझे सपोज ऐसे ड्रॉ करना हो तो फिर मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूंगा इसको, जैसे क्रॉस अगर होता है, क्रॉस को साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, क्रॉस को अगर आप साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा बेटा, अगर सपोज करो रे इधर जा रही है, रे इज गोइंग दिस वे, और क्रॉस को आप साइड से देख रहे हैं, तो
तो साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, इट्स लाइक दिस वे, आपको वर्टिकल वाला दिखेगा साइड से, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाले में सिर्फ आपको डॉट दिखेगा। अगर साइड व्यू देख रहे हैं, ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है, इज इट क्लियर? ये आउट ऑफ पेज आ रहा है, दिस इज आउट ऑफ पेज। बेटा जैसे प्लस होता है ना, प्लस को साइड से देखोगे तो कैसे दिखेगा, एक लाइन दिखेगा और ये वाला डॉट दिखेगा कि नहीं, ये वाला लाइन दिखेगा और ये वाला डॉट दिखेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes. मतलब जैसे प्लस है, प्लस का साइन देखो और साइड से देखो तो एक लाइन दिखेगा, डॉट दिखेगा, यही होगा। तो मैं दो ही ड्रॉ करूंगा बस, ठीक है? तो बेसिकली ये ज्यादा इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम लोग, ऐसा भी ड्रॉ नहीं करें ऐसे, क्योंकि लाइट ऐसे जाएगी तो वैसे, मतलब एक कंपोनेंट ऐसे आ रहा है इसका, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर, लाइट इज गोइंग लाइक दिस वे। ये बात समझ में आया आपको कि हाउ टू रिप्रेजेंट इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, ये साइड में जा रही है, ट्रैवलिंग टूवर्ड्स राइट, ट्रैवलिंग आउट ऑफ पेज, ट्रैवलिंग आउट ऑफ पेज, ये क्या है, ट्रैवलिंग टूवर्ड्स राइट, ट्रैवलिंग टूवर्ड्स राइट, जो इंट्रोडक्शन पार्ट, तो हम आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है? तो हम लोग एक वेव फिनोमेना कर रहे हैं, दैट इज पोलराइजेशन, ठीक है? थोड़ा सा ऐसे ही लिख लीजिएगा बस, थोड़ा थोड़ा अपने वर्ड्स में, और आगे बढ़ जाइएगा, ज्यादा कॉपी करने की कोशिश, मतलब ये इंट्रोडक्शन ही है, हम समझाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ नहीं, मतलब लास्ट में आपको समझ में आ गया कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दैट्स ऑल। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल फिनोमेना, ये बात ध्यान रखिएगा आपको। हो गया, वेट सर,
स्क्रॉल डाउन फाइनल हम डायग्राम पे आ गए कि रेट एवरी वो राइट सर वेट ऊपर के दिख See ya. Polarized and unpolarized light. हो गया सी हियर लेट्स से दिस अनपोलराइज्ड लाइट लेट्स से हियर एक्चुअली इट्स एन अनपोलराइज्ड लाइट ये जो मैंने लास्ट में ड्रॉ किया है ना ट्रेवलिंग टूअर्ड राइट अनपोलराइज्ड लाइट सपोज इसके सामने मैं कोई कैल्साइट का क्रिस्टल रख देता हूं लेट्स से हियर कोई कैल्साइट का क्रिस्टल रख देता हूं ये इसका एक्सिस है Axis of polaroid. कोई कैल्साइट का क्रिस्टल रख देता हूं इसे ओके तो व्हाट विल हैपन जैसी इसमें से पास हो गई जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल होगी वो तो पास हो जाएगी लेकिन जो परपेंडिकुलर होगी वो ब्लॉक हो जाएगी इस एक्सिस की खास खूबी है मतलब इस क्रिस्टल का कि जो रेस उसके जिसके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इसके एक्सिस के पैरेलल हों वो तो पास हो जाएंगे दैट विल पास ठीक है तो लेकिन जो परपेंडिकुलर वाले होंगे डॉट वाले जो परपेंडिकुलर है वो ब्लॉक हो जाएंगे तो अल्टीमेटली जो बचेगा सिर्फ ये बचेगा दिस वन क्योंकि आपने परपेंडिकुलर वाले को तो ब्लॉक कर दिया दिस वन ठीक है इसको बोलते हैं ना पोलराइज्ड लाइट पोलराइज्ड एक काम करो जेड लगा दो यार पोलराइज अनपोलराइज्ड में भी जेड लगा दो जेड पोलराइज्ड पोलराइज्ड लाइट जैसे अनपोलराइज्ड लाइट तो आर यू गेटिंग तो ये ध्यान रखना कि those electric component parallel to axis they are allowed to pass
ठीक है, वो पास हो जाते हैं, लेकिन जो परपेंडिकुलर वाले होते हैं वो 100% ब्लॉक हो जाते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कर लो इसकी इंटेंसिटी जो है वो आई नॉट है, लेट से इंटेंसिटी आई नॉट है इंसिडेंट वाली, सपोज तो इंसिडेंट इंटेंसिटी, तो जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी होती है ना, वो I not by 2 हो जाती, नियर अबाउट हाफ हो जाती, वैसे हाफ से भी कम होता है, वैसे तो लोग बोलते हैं 35% से बाहर आती है, 65% ब्लॉक हो जाती है, लेकिन न्यूमेरिकल में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल में हम लोग बहुत सी चीजों को अवॉइड करते हैं, तो हम 50% ही लेंगे, हम समझ के चलेंगे कि 50% पास होती 50% ब्लॉक होती, ऐसा हम समझ के चलेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर वाली ब्लॉक हुआ पैरेलल वाली निकल गई, बट 50% होता नहीं है, बट हम लेके चलेंगे। तो आर गेटिंग अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट में क्या फर्क है, आप जानते हैं, आपको मालूम है जैसे यार पोलराइज्ड क्या होता है, आप देखिए ना जो कार होती है, जिस आजकल लोग कार के शीशों पे ब्लैक कलर की फिल्म लगाते हैं, कार के शीशों पे जो फिल्म लगाते हैं दैट इज पोलराइज्ड, वो क्या काम करता है, जो सनरेज आती है ना उसको पोलराइज कर देता है, कैसे, मोर देन 50% कंपोनेंट्स को ब्लॉक कर देता है, तो जो अंदर जो लाइट आती है कार के वो पोलराइज लाइट आती है, तो जो हीटिंग इफेक्ट होता है कार के अंदर वो थोड़ा कम हो जाता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, इवन कैमरे वगैरह में भी पोलराइज लगाते हैं, कैमरे में पोलराइज लगाते हैं लाइट की इंटेंसिटी को कम करने के लिए, सन गॉगल्स में भी पोलराइज लगता है, आप डायरेक्टली यू कैन नॉट सी द सन बिकॉज ऑफ द ग्लेयर ऑफ द सन, बट आप सनग्लासेस लगा देंगे उसमें पोलराइज लगा रहता है तो आप सन को देख भी सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि 50% ब्लॉक हो जाता है। आर यू गेटिंग, तो मोर देन 50% होता है, बट हम 50% लेक्चर में। आर यू गेटिंग व्हाट इज पोलराइज एंड अनपोलराइज्ड लाइट, और इस एक्सेस की खूबी क्या है कि जो इसके पैरेलल होगा दे आर अलाउड टू पास, परपेंडिकुलर वाला ब्लॉक हो जाएगा। Done? हो गया, यस वर्जन यस लॉ ऑफ मैलिस। अब आप कहेंगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली क्या होता है कि ये जो इंटेंसिटी वाला आधा हो जाता है ये तो ठीक है, लेकिन इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं नीट में भी और जेई में भी, ठीक है, एक्चुअली इंटेंसिटी से रिलेटेड ज्यादा आते हैं, तो उसको एक बार समझ लेते हैं, उसका एक अलग फॉर्मूला होता है। सी लेट्स से ये हम लोग एक हाँ क्रिस्टल ले लेते हैं, लेट्स से हियर हियर अगर हम एक क्रिस्टल ले लेते हैं, लेट्स से हियर, और ये उसका एक्सेस ले लेते हैं,
let's say, and this is axis. ये पोलराइड है, अच्छा लेट्स से वो तो ठीक है, मैंने बताया था पैरेलल पास हो जाता है, परपेंडिकुलर ब्लॉक हो जाता है। लेट्स से अगर कोई एक अन, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर कोई अनपोलराइज लाइट सपोज कर लो, अनपोलराइज लाइट और उसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कुछ इस तरीके का है, इस पर परपेंडिकुलर नहीं है और वो कुछ एंगल बना रहा है वर्टिकल से, थीटा। तो जब ये एंटर करेगा तो इट विल बी लाइक दैट, जब ये एंटर करेगा तो बेटा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, जब ये एंटर करेगा तो इट्स लाइक दैट वे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कुछ इस तरीके का है, वो इधर जा रहा है और वो एंगल जो है वो थीटा बना रहा है। तो होगा क्या, जब एंटर करेगा इधर से तो व्हाट विल हैपन, सी हाँ वो एंटर कर रहा है तो क्या होगा, इसको हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो इधर आ जाएगा दैट इज ई कॉस थीटा और इधर आ जाएगा दैट इज ई साइन थीटा, दैट इज ई साइन थीटा। तो आप देखो साइन थीटा तो तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा तो हमेशा हमेशा ब्लॉक हो जाता है, लेकिन पैरेलल वाला निकल जाएगा। इसका मतलब कौन सा कंपोनेंट बाहर आएगा, ई कॉस थीटा बाहर आएगा, इट्स लाइक दिस वे। इसका मतलब जो बाहर आएगा दैट इज ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। अच्छा तो अब देखो समझने की कोशिश करो, लेट्स से इंसिडेंट इंटेंसिटी इज आई नॉट, इंटेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इंटेंसिटी इज आई नॉट and transmitted intensity is I। तो देखो होता क्या है कि जो intensity होती है that is proportional to electric field square। तो जब ये cross करके आएगा तो intensity हो जाएगा that is proportional to E cos theta whole square। ठीक है, taking ratio ले लीजिए बेटा, ratio 2 डिवाइडेड बाय 1 तो हो जाएगा आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ई स्क्वायर। तो हमें ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी मिल जाएगी दैट इज ओरिजिनल इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर न्यूमेरिकल, ये बात ध्यान रखना। प्रॉपर्ट ऑन दिस फॉर्मूला फर्स्ट मैं समझाता हूं इसको जरा, प्रॉपर्ट ऑन दिस लॉ ऑफ मैलस, इसको भी टीचर अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं MALUS। ठीक है,
सर प्लीज कॉल डाउन हाँ हेलो हो गया ये देख लो सो देखो हाँ ये तो मैंने कर दिया सपोज नो जैसे मान लो अगर कभी जैसे मैं क्वेश्चन ऐसे समझाने के लिए ले लेता हूँ लेट्स से अगर सपोज कर लो कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सपोज यहाँ पे दो पोलराइड एक पोलराइड लगा रखा फिर इसके आगे एक और लगा रखा है मान लो सपोज कर लो कि अनक्लॉकवाइज लाइट इधर से आ रही है तो इसकी इंटेंसिटी आई नॉट हो जब पहले वाले को क्रॉस करेगी तो वो आधा हो जाएगा आई नॉट बाय टू फिर सपोज कर लो ये जो एंगल है वो थीटा बना रहा है तो यहाँ पे क्या होगा लॉ ऑफ मैलस लग जाएगा लॉ ऑफ मैलस I is equal to I naught, लेकिन I naught नहीं मिल रहा है इसको क्या मिल रहा है I naught by 2 cos square theta, ठीक है तो इसको हम polarizer हो सकते हैं polarizer analyzer तो देखो हमने आपको just अगर एक ही दिया हुआ है तो प्रॉब्लम नहीं है तो फिर सीधे लॉ ऑफ मैलिस लगा देना हाँ जैसे मैंने ऊपर बताया अगर दो दिया हो तो पहले वाले में क्या करना मान लो सीधे रखा है तो इंटेंसिटी को आधा कर देना उसके बाद जो है लॉ ऑफ मैलिस लगा देना ठीक है जो मैंने ये नोट करके लिखवाया इस टाइप के न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं ठीक है ये ध्यान रखना तो ये लॉ ऑफ मैलस वगैरह पे न्यूमेरिकल ज्यादा आता है ये बात ध्यान रखना अच्छा लिंक जा रहा है ज्वाइन विद द सेम लिंक अगेन ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ क्रिस्टल से पास करोगे तभी वो पोलराइज्ड होता है ऐसा कुछ नहीं आप पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन भी होता है इस पे भी न्यूमेरिकल आता है पोलराइजेशन बाय
पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन इसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज